चित्रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है फॉरेन 2008 में, कब पूछा गया बताइए तो, फॉरेन 2008 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उस पर डिस्कस करेंगे, बताइए। जेंटलमैन क्या बोला है कि कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज, जेंटलमैन क्या बोला समझिए, बोला है कि ये जो टेबल है इसमें जो मिसिंग एंट्रीज है, जो भी एलिमेंट मिसिंग है उसको कंप्लीट कीजिए इन द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री, इस फैक्टर ट्री में जेंटलमैन जो भी एलिमेंट मिसिंग है उसको कंप्लीट कर, कैसे समझिए बताइए अच्छे से। हमको ट्रिक सिखाया जेंटलमैन, जैसे मान एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पर समझ पाएंगे, जैसे कोई नंबर 24 है ठीक है ना, इसका फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं देखिए आप, आप बोलेंगे सर 24 में सॉल्व करते हैं किससे लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना रहेगा 12, कैसे एक जेंटलमैन कि सर 24 में 2 से लगाएंगे कितना होगा जेंटलमैन 12, ठीक है देखते रहिए, फिर 12 में किस लगाएंगे जेंटलमैन 2 से, अब 12 में 2 से लगाने वाले हैं तो कितना रहेगा 6, तो फिर से कितना रहेगा आपके पास 6, फिर 6 में किस लगाएंगे जेंटलमैन 2 से कितना हो जाएगा 3, जेंटलमैन 6 में किस लगाएंगे 2 से तो कितना हो गया, यहाँ पर एक कॉमन रूल बनाया जेंटलमैन, देखिए कॉमन रूल क्या बना समझिए, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि सर देखिए जेंटलमैन देखते रहिए, इस दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए 3 जा 6 तो ये नंबर आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 जा 12 तो ये नंबर आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ये नंबर आएगा, मींस क्या कि जो भी नंबर ट्री के अकॉर्डिंग आ रहा है एक रो वाइज उसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, सेम रूल यहाँ पे लगा दीजिए, क्या बोलेंगे बताइए यहाँ पर, जेंटलमैन 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 21, इसको इससे क्या करें मल्टीप्लाई ना 7 3 21 सिंपल लॉजिक है, फिर 21 को 2 से मल्टीप्लाई जेंटलमैन 22 2 जा, चेक भी कर लीजिए, चेक भी कर लीजिए बैलेंस बना होगा, 2 से डिवाइड करें 42 में तो 21, 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो बोला था मिसिंग नंबर कौन कौन हो गया जेंटलमैन तो 21 और 42 इसका मिसिंग नंबर हो गया जो कि हम फाइंड करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो सारा क्वेश्चंस 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से पूछा गया, सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए।